दिल्ली विधानसभा की सदस्यता रद्द किए जाने और अयोग्य ठहराए जाने के बाद आम आदमी पार्टी के बागी नेता कपिल मिश्रा शनिवार को भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी और विजय गोयल की मौजूदगी में भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। कपिल मिश्रा ने जब भाजपा की सदस्यता ग्रहण की उस वक्त ऋचा पांडे और विजेंद्र गुप्ता भी मौजूद थे। कपिल मिश्रा ने एक दिन पहले ही ट्वीट कर भाजपा में शामिल होने की जानकारी दी थी। मिश्रा ने ट्वीट कर कहा था कि वह शनिवार को 11 बजे भाजपा में शामिल होंगे। कपिल मिश्रा ने दिल्ली चले मोदी के साथ नारा भी लिखा था। गौरतलब है कि पिछले काफी समय से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हमलावर रहे केजरीवाल सरकार के पूर्व मंत्री मिश्रा ने लोकसभा चुनाव में भाजपा के पक्ष में प्रचार किया था। आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज की याचिका पर विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने 2 अगस्त को कपिल मिश्रा की सदस्यता रद्द कर दी थी।